अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं एमके क्रिएटिव डिज़ाइनर। आज हम हाजिर हुए हैं ब्लू कुर्ते के एक अमेजिंग वीआईपी और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बुकरम कार्ड लेनी है और उसको चिपकाना नहीं है, उसको एक अलग तरीके से चिपकाएँगे। इसमें हम आपको दो मेथड बताएँगे कि आप ये डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं। इसमें पाइपिंग लगानी है, आप दो तरीके से लगा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये चिपकानी है अपनी फ्रंट पट्टी। ये देखा ना आपने, यहाँ तक इसको चिपका लेना है। ये देखें, यहाँ से आपने एक अंदाज़ा लगा लेना है कि आपने कितनी पाइपिंग लगानी है, वहाँ तक मार्किंग कर लेना है। और इसी तरह आपने बैन भी चिपका लेनी है। तक रखना है या 1.5 इंच तक रखना है। ये देखें, यहाँ से 1 इंच का गैप है। यहाँ से बिल्कुल हल्का सा ऊपर से ले लेना है और यहाँ से आपने स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। अभी चलते हैं मशीन पे, इस पर पाइपिंग लगाएंगे डायरेक्ट हम। एक और तरीका भी है, आप यहाँ से काट सकते हैं और जब आप स्टिच करें तो इसको वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया है, ये एक अलग तरीके से दिखा रहे हैं हम। ये देखें, आपने यहाँ से निशान को बढ़ा देना है और यहाँ से भी बढ़ा लेना है। और यहाँ आपने नीचे से अपनी पाइपिंग का कपड़ा लगाना है। इस तरह से आपने कोने काट लेने। अब लगानी है आपने रेशम की सिलाई ब्लू कलर वाले धागे से और कंट्रास्ट में आपने ब्लैक कलर का धागा। अब आपने यहाँ से मार्किंग करनी है। आपने यहाँ से ऐसी सिलाई लेनी है और यहाँ से भी आपने ऐसे निशान लगा लेना है ताकि आपको अंदाजा बिल्कुल रहे कि आपने गैप कितना देना है।
और यहाँ से बिल्कुल ऐसे अपने एक अंदाजे से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ से भी आपने बिल्कुल सीधी सी सिलाई लेनी है, और यहाँ से इसके गैप के बराबर के हिसाब से बिल्कुल ऐसे करके, और यहाँ तक आपने पिन लगा देनी है। तो लगाते हैं सिलाई। नीचे हमने रेशम लगाई हुई है ब्लू की सेम कलर की, और ऊपर कंट्रास्ट में ब्लैक धागा लगाया हुआ है। ये देखें, आपने ये धागा अंदर से अंदर करके बिल्कुल गिरा लगा देना है इसको। अभी हम लगाते हैं बहन पे सिलाई। अब इसको हमने नीडल से धागा निकाल लेना है, और हमने चावल टांगों के लिए डैन में और पट्टी में सुराख करने। ये देखें, आपने एक अंदाज़ा कर लेना है। ये देखें यहाँ से बिल्कुल के जितना यहाँ से गैप उतना यहीं से गैप होना चाहिए। आप टांका थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह बैन पे और पट्टी पे दोनों पे आपने चावल टाके लगा लेने। यहाँ पे आके आपने काम करना है, यहाँ से बिल्कुल आपने यहाँ पे क्रॉस करना है, बिल्कुल इसी गैप से बिल्कुल बराबर आपने यहाँ पे गैप पे क्रॉस करना है।
ये देखिए, अब आपने ये वाली मेटल वाली लगानी है। ये लगाने से पहले आपने निडल से सुराख कर लेना है ताकि इनके ये फोल्डिंग वाले टेढ़े ना हो जाएं, ये वाले। इससे पहले आपने यहाँ से सुराख कर लेना है। पट्टी को और बैन को करते हैं प्रेस।